हल्द्वानी में जाम के साथ साथ पार्किंग एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि पार्किंग व्यवस्था बेहद कम होने की वजह से जगह जगह गाड़ियों को सड़कों पर पार्क करना पड़ता है। इस वजह से शहर की यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसके अलावा नगर निगम की लापरवाही की वजह से भी कई पार्किंग अभी तक सुचारू नहीं हो पाई है। वहीं नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि पर्यटन सीजन में बाहरी व स्थानीय लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शहर में कई स्थान चिन्हित हैं जिन्हें पार्किंग बनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी से रोजाना हजारों पर्यटक पहाड़ों की तरफ निकलते हैं। ऐसे में यहां पार्किंग की व्यवस्था ना होना और खराब यातायात व्यवस्था स्थानीय लोगों के लिए और पर्यटकों के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। जो पर्यटक सीजन चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए जो भी हमारी पार्किंग है उनको फुल कैपेसिटी पर रन किया जाएगा, लेकिन जो पर्यटक आते हैं वो नॉर्मली यहाँ से गो थ्रू करते हैं, पार्किंग की फैसिलिटी वो उतना यूज़ नहीं करते हैं, और जो ईटिंग जॉइंट्स हैं, जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं, वहाँ पर वो खड़े करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग पुलिस विभाग के साथ मिलकर के प्रयास करेंगे कि वहाँ पर ट्रैफिक इस तरीके से सुचारू रूप से संचालित हो कि क्योंकि वो टेम्परेरी पार्ट के रूप में वो पार्किंग को यूज़ करते हैं, थोड़ी देर के लिए पर्यटक रुकते हैं, तो वहाँ पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उस पर हम पुलिस विभाग के साथ मिलकर काम करेंगे।